उज्ज्वल पहिलं षटक घेऊन आलाय सलामीचा फलंदाज स्वानंद आणि सुमित। पहिलाच चेंडू अडवला जातोय, मात्र एक धाव मिळते या एका धावेने श्री गणेशा केला जातो एकविरा या संघाचा। उज्ज्वल पुढचा चेंडू निश्चितच पायावर जाऊन आदळलाय आणि हा चेंडू निर्धाव फेकला जातोय। उज्ज्वल साखरे पहिलं षटक हाताळतायत सुपरस्टार संघाकडून। एक धाव नक्कीच मिळते सुमित याला या एका धावेच्या मदतीने, धाव फलक पोहोचलंय ते दोन धावांवर। पुढचा चेंडू दोन चेंडूंचा खेळ बाकी, फुलटा असा चेंडू आणि फायदा उचलू शकलेला नाहीये। सुमितला माघारी परतावं लागतंय कारण या स्पर्धेमध्ये आपल्याला षटकार घेतला जाणार नाही। निश्चितच सुमितला तंबूचा रस्ता दाखवलाय तो उज्ज्वल याने। पहिला झटका लागलाय, पहिला हादरा बसलाय तो एकविरा या संघाला। सुमित बाद झालाय, सुमितची जागा सांभाळण्यासाठी आलाय तो अजित। काळिंजे संघाचा एक प्रतिनिधी समालोचन कक्षात यायचा आहे काळिंजे। पहिलाच चेंडू घोषित स्वरूपात एक धाव मिळते या एका धावेच्या मदतीने, धाव फलक पोहोचलंय ते तीन धावांवर। पहिलाच चेंडू रोहित याचा, रोहित एक उत्कृष्ट असा गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय। दुसरा चेंडू स्वानंदासाठी आणि एक गचाळ क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल उज्ज्वल याच। दोन चेंडू झालेले आहेत आणि दोन चेंडू मध्ये धाव फलक पोहोचलाय ते चार धावांवर। दोन चेंडू आणि चार धावा। पुढचा चेंडू रोहित याचा अजित साठी, अजित काय करेल आणि मात्र पंच समीर बोरकर यांनी हात फैलावलेत आणि एक अवांतर धाव मिळते। या अवांतर धावेच्या मदतीने धाव फलक पोहोचलाय पाच धावांवर। दोन चेंडू आणि पाच धावा, चार चेंडूचा खेळ अजूनपर्यंत बाकी। हलक्या हाताने खेळला अजित याने, फक्त दिशा दाखवली चेंडूला आणि एकेरी धाव चोरले। या एका धावेच्या मदतीने धाव फलक पोहोचलंय ते सहा धावांवर। तीन चेंडू आणि सहा धावा, तीन चेंडूंचा खेळ संपलाय, अजूनपर्यंत तीन चेंडूंचा खेळ बाकी आहे स्वानंदसाठी। स्वानंद काय करेल, रोहितच्या चेंडूचा सामना करेल स्वानंद। पुढचा चेंडू रोहित मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र पुन्हा एकदा दिशा दाखवले आणि दोन धावा घोषित स्वरूपात मिळत आहेत। या दोन धावांच्या मदतीने धाव फलक पोहोचलंय ते आठ धावांवर। चार चेंडू आणि आठ धावा म्हणजेच चार चेंडू मध्ये रोहित याने सहा धावा खर्च केल्यात। दोन चेंडूंचा खेळ अजूनपर्यंत बाकी आहे, एक घोषित स्वरूपात दोन धावा आल्यानंतर एकेरी धावांवर लक्ष दिलं जात आहे आणि या एका धावेच्या मदतीने धाव फलक नऊ धावा, पाच चेंडू आणि नऊ धावा। या सामन्यामध्ये विजयी होणारा संघ लगेचच काळिंजे बरोबर फर्स्ट क्वालिफायर खेळेल। पुढचा चेंडू आणि पुन्हा एकदा स्वैर घोषित केलाय,
एक अवांतर धाव मिळते, अवांतर धावेने धावफलक दुहेरी अंकामध्ये पोहोचते 10 धावा। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आणि बॅक टू बॅक दुसरा वाईड फेकलाय, या 2 धावांच्या मदतीने धावफलक 11 धावांवर। एक चेंडू बाकी अजूनपर्यंत रोहित याचा, रोहित फुलटॉस चेंडू मात्र 1 धाव मिळते। या 1 धावेच्या मदतीने दुसऱ्या षटकाची सांगता होते, 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या ती म्हणजे 12 धावा। निकेत तिसरं षटक घेऊन आलाय, निकेत 1 धाव मिळते आणि या 1 धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय ते 13 धावांवर। पुढचा चेंडू स्वानंदसाठी गचाळ क्षेत्ररक्षण सुमित याचं, मात्र सीमारेषेवर चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं। 1 धाव नक्कीच मिळते, 1 धावेपासून अडू शकत नाही। 1 धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय ते 14 धावांवर। 2 चेंडू आणि 14 धावा, 4 चेंडूंचा खेळ अजूनपर्यंत बाकी। निश्चितच निकेत पंतांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करतायत, एक मोठा फटका अजित याचा, मात्र तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण। 1 धाव नक्कीच मिळते, या 1 धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय ते 15 धावांवर। 3 चेंडू 15 धावा, म्हणजेच 15 चेंडूंचा खेळ संपलाय आणि 15 धावा बनवल्यात या एकविरा या संघाने। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा निकेत आपल्या बॉलिंग मार्कवर, पंचांच्या उजव्या हाताने ज्या बाजूने गोलंदाजी करतोय स्वानंद साठी। स्वानंद हलक्या हाताने खेळतोय, फक्त एकेरी धावांवर लक्ष दिलं जातंय एकविरा या संघाचं। या एकेरी धावेने धावफलक पोहोचलंय 16 धावांवर। 16 चेंडू आणि 16 धावा, 16 चेंडू आणि 16 धावा झालेले आहेत। शेवटचे 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, 1 मिनिट पंच, 1 मिनिट। चला सामना चालू करायचा आहे। निकेत अजित साठी मोठा फटका मारलाय, मात्र दिशा चुकीची निवडली, घोषित स्वरूपात 1 धाव मिळते, 17 धावा झालेल्या आहेत। शेवटचा 1 चेंडू बाकी आहे, शेवटचा 1 चेंडू बाकी, धावफलक तिथेच थांबलेलं 17 धावांवर। निकेत पुन्हा एकदा मोठा फटका अजित याचा, चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं, 1 धाव मिळते। या 1 धावेने तिसऱ्या षटकाची सांगता होते, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या येते 18 धावा। तसेच सन्मान्य श्री रवींद्र चौलकर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आपण मुख्य व्यासपीठावर विराजमान व्हावं अशी विनंती करतो आपल्याला। बॉलर नेम प्लीज, अमित, अमित आणि एक स्वानंदच्या बॅट मधून आलेला एक खणखणीत चौकार, या चौकाराच्या मदतीने या पहिल्या सत्रातील आपल्याला
पहिला चौकार पाहायला मिळालाय सानंदच्या बॅट मधून, या चौकाराच्या मदतीने धाव फलक पोहोचलंय ते 23 धावांवर, 23 धावा। पुन्हा एकदा अमित, पुन्हा एकदा त्याच दिशेने खेळून काढलाय त्याच क्षेत्ररक्षकाकडे, बॅक टू बॅक दुसरा चौकार पाहायला मिळालाय स्वानंदच्या बॅट मधून, खूपच महागडा ठरतोय तो गोलंदाज। या चार धावांच्या मदतीने धाव फलक पोहोचलाय ते 27 धावांवर। घडी बाद झालाय स्वानंद ज्याच्या बॅट मधून आपल्याला दोन चौकार पाहायला मिळाले, तो स्वानंद आता बाद झालाय तंबूत परतलाय, त्याची जागा सांभाळण्यासाठी आलाय तो प्रसाद। आणि हा मात्र निर्धाव चेंडू जातोय, या पाच चेंडूंचा खेळ संपलाय, या सत्रातील या षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी अमित याचा। एक धाव मिळते दुसऱ्या धावेसाठी गेल्यात आणि मात्र फलंदाज बाद झालाय, एक धाव नक्कीच मिळेल या एका धावेच्या मदतीने। पहिलं सत्र संपलंय आणि पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या आहे ती 28 धावा। हा सामना जर सुपरस्टार संघाला जिंकायचा असेल तर 29 धावांची गरज आहे, येत्या चार षटकांमध्ये त्यांना 29 धावा बनवाव्या लागतील। तसेच मंथन चुनेकर, आपण कुठे असाल तर आपण स्टेज पाशी यायचंय मंथन चुनेकर। एकविरा संघाकडून प्रथम गोलंदाज आहे तो शिवा आणि सुपरस्टार संघाकडून प्रथम फलंदाज रोहित आणि सुमित आणि अमृत बोरकर यांचं आगमन झालंय मैदानामध्ये। मयुरेश मयेकर आपली वाट पाहत आहेत। आणि पुढील समालोचन करते ते म्हणजे आमचे मित्र समालोचक मित्र हिंदीमधून समालोचन करतात असे बबलू पोलेकर यांच्या वाणीतून आपण पुढील समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळेल। ओ पहिली गेंद पर बेहतरीन रनिंग द बिटवीन द विकेट, जोरदार अपील किया लेकिन हम पर कोई असर नहीं, इसका कोई रन नहीं
निश्चित रूप से एक रन मिलेगा, अंपायर का अभी तक कोई इशारा नहीं है। कीपर कॉल कंपलसरी है और एक रन मिला यहां। पहली पारी में खेलते हुए जो कि 28 रन बनाए थे, सुपरस्टार के सामने 29 रन का लक्ष्य रख दिया और धीमी फेंकी हुई गेंद करार पर लगा दिया और निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे। बेहतरीन शॉट, पहला चौका निकलता हुआ। मैं 4 मैच देख रहा हूं लेकिन एक भी चौका नहीं आया था और ये पहला चौका निकलता हुआ। इस बल्लेबाज का नाम तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। बैट्समैन नेम प्लीज। सुमित, जो कि 3 मैच हुए उसमें कोई भी चौका नहीं आया था और ये सुमित के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। इस 4 रन से हमारे साथ स्कोरर जो कि बता रहे हैं स्कोर पहुंच चुका है 6 रन। 29 रनों की आवश्यकता। फिर एक बार खेला है गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में 2 रन के लिए। अंपायर का इशारा 2 रन। इस 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर हमारे साथ स्कोरर बता रहे हैं जो कि 8 रन पहुंच चुका है। जीतने का लक्ष्य है जो कि 29 रनों का, जिसमें के 8 रन बनाकर स्ट्राइक पर सुमित। फिर एक बार और धीमी फेंकी हुई गेंद हल्के हाथ से खेला जो कि 1 रन के लिए। 1 रन, एक एक रन जुट रहा है अपने स्कोर में जबकि स्कोर पहुंच चुका है यहां 9 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां सुमित। सुमित फिर एक बार और शिवा के गेंद की गेंद खेला है और निश्चित रूप से यह रन आउट हो सकता है। जोरदार अपील के अंपायर के पास, अंपायर दोनों अंपायर डिस्कस करते हुए और ये आउट करार दिया। इस प्रकार आउट होते हुए बल्लेबाज वापस अपने पैवेलियन में रोहित। फिलहाल नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम निकेत। निकेत सुमित और निकेत जो कि जीतने का लक्ष्य है 29 रनों का। निकेत स्ट्राइक पर है। शिवा धीमे गेंद डालते हुए मारने चाहते थे इस गेंद को, हल्के हाथ से खेलना चाहते थे। कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं, खाली गई ये गेंद। फिर एक बार शिवा बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदे करते हुए, सॉरी राउंड द विकेट और टैप कर दिया इस गेंद को। वहां फील्डर मौजूद लेकिन एक रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। इससे एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर डबल अंकों में पहुंचता हुआ स्कोर हमारे साथ स्कोर बता रहे जो कि 10 रन पहुंच चुका है। जीतने का लक्ष्य 29 रनों का। एक ओवर के खात्मे पर स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन, जबकि जीतने का लक्ष्य है यहां 29 रनों का। पहली पारी में खेलते हुए सुपरस्टार ने शानदार 28 रन बनाए थे उसके, सॉरी एकवीरा ने। आदित्य दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं। आदित्य राइट आर्म राउंड विकेट और पहली गेंद पटकी हुई गेंद, वो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहां सुपरस्टार के बल्लेबाजों की और तो मैच चल रहा है यहां एकवीरा और सुपरस्टार के दरमियान। इसमें जीतने वाली टीम सीधा क्वालिफाई के लिए कालिंजा के साथ खेलेगी और अंपायर का इशारा नॉट आउट। 2 गेंदे हो चुके, तीसरी गेंद लेकर आदित्य राइट आर्म राउंड विकेट सुमित के लिए और सुमित ने करा प्रहार लगा दिया वहां लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की दिशा में, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा वहां सुमित को। एक रन, इसे एक रन से बढ़ता हुआ स्कोर हमारे साथ स्कोर बता रहे जो कि 11 रन बन चुके हैं, सॉरी 12 रन। आखिरी 3 गेंदे आना शेष,
आदित्य अपनी बॉलिंग मार पर राइट अपना करा बना लगा दिया वहां, फिर एक बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन तो बचा दिए वहां फील्डर ने, बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। फिर एक बार आदित्य अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म राउंड विकेट हल्के हाथ से खेलना चाहते थे जो कि लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद अंपायर के दोनों हाथ हवा में यानी वाइड, वाइड अतिरिक्त से बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन जो कि जीतने का लक्ष्य 29 रनों का, जिसमें के 14 रन बना चुके हैं यहां बल्लेबाज आदित्य। फिर एक बार राइट आर्म राउंड विकेट और अच्छी गेंद मानी जा सकती है, माने के प्रेस में बीट हुए जो कि एक लेग कटर डाल दी था आदित्य ने, समझ न पाए बल्लेबाज मिस हुई इस गेंद पर, कोई रन नहीं कोई विकेट नहीं। फिर एक बार आदित्य और फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठा दिया अंपायर का इशारा 4 रन, बेहतरीन शॉट ये सुमित के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा चौका। 2 ओवरों के खात्मे पर स्कोर है 18 रन, 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता, काफी अच्छी कमबैक कर रहे हैं यहां सुपरस्टार। 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता, नए बॉलर आए, बॉलर नेम प्लीज अजीत, शायद अजीत राइट आर्म राउंड विकेट जो कि 12 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है सुपरस्टार और एकवीरा के दरमियान। पहली पारी में खेलते हुए एकवीरा ने शानदार 28 रन बनाए थे, उसके जवाब में यहां मैच पहुंच चुका है जो कि 12 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता। अजीत राइट आर्म राउंड विकेट, अजीत राइट आर्म राउंड विकेट पहली गेंद लेकर जीतने का लक्ष्य है 12 गेंदे और 11 टैप कर दिया गेंद को और निश्चित रूप से वहां फील्डर मौजूद, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को, 1 रन। अभी भी 11 गेंदे और 10 रन, काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है एकवीरा और सुपरस्टार के दरमियान। 10 गेंदे और 11 रन, सुमित एक आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं जिन्होंने 2 चौके अभी तक अपने स्कोर में जुटा लिए। सुमित फिर एक बार सुमित तैयार बल्लेबाजी के लिए, उनके सामने बॉलर है अजीत राइट आर्म राउंड विकेट। श्रीवर्धन टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव ते म्हणजे सचिन जी एलवे सर हे या मैदानात आलेले आहेत। मी त्यांना विनंती करतो की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचंय, सचिन जी एलवे साहेबांना विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावर यायचंय। सचिन जहा काय भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, मेरे फेवरेट एक प्लेयर जो टेनिस क्रिकेट के बादशाह माने जाते हैं सचिन, जिन्होंने एक धुआंधार फलंदाजी की थी वहां रनर आउट के मैदान में और सचिन जी एलवे का यहां आगमन हो चुका है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। उनका स्वागत करेंगे हमारे फिलहाल मैच शुरू होने जा रहा है। अजीत राइट आर्म राउंड विकेट फिर एक बार और टैप कर दिया गेंद को अंपायर को लगती हुई गेंद और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा वहां बल्लेबाज को, 1-1 रन जुटा रहे अपने स्कोर में जो कि जीत के नजदीक पहुंच रहे। सचिन जी एलवे यांचा स्वागत करतील आमचे शिवा चौले। धन्यवाद सचिन आपण इथं आलात त्याबद्दल आम्ही खूप खूप आभारी आहोत। MKCC क्रिकेट क्लब तर्फे
मी तुमचा खूप खूप आभारी आहे सचिन जेलवे। 9 गेंदों में 8 रन की आवश्यकता। अजीत फिर एक बार अपने बॉलिंग बार पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन एक एक रन जुटा रहे अपने टीम के लिए और यह रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन एक रन लेने में कामयाब रहे वहां बल्लेबाज। इस एक रन से अभी भी 8 गेंदों में 7 रनों की आवश्यकता। अजीत राइट आर्म राउंड विकेट, गेंद डालेंगे और बैकफुट पे गए, खेला टैप कर दिया और जोरदार अपील किया अंपायर के पास, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं। एक रन जो समीर जी अंपायर काफी चुस्त अंपायर नजर आ रहे, उन्होंने देखा जो के बल्लेबाज अपने क्रीज पे मौजूद था, नॉट आउट करा दिया और एक रन मिला। अभी भी संघर्षपूर्ण मौका देखने को मिल रहा है यहाँ एक वीरा, और ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, वाइड अतिरिक्त से बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन। हल्के हाथ से खेलना चाहते थे, एक रन बटोरना चाहते थे और निश्चित रूप से एक कैच हो सकता है, नॉट आउट। 6 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदे और 5 रन, काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है एक वीरा और सुपरस्टार के दरमियान। पहली पारी में खेलते हुए एक वीरा ने शानदार 28 रन बनाए थे, जो कि एक लक्ष्य रख दिया था यहाँ 29 रनों का, उसका पीछा करते हुए यहाँ सुपरस्टार। 6 गेंदे और 5 रन, नए बॉलर ऋषि, ऋषि राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्लेबाज तैयार, जो कि 6 गेंदे और 5 रन, कोई मुश्किल काम तो नहीं है बल्लेबाज के लिए, जो कि एक एक रन अपने टीम के लिए जुटा सकते हैं तो जीत की तरफ आराम से जा सकते हैं। ओमकार पालेकर, अमृत बोरकर अपने लाइव टेक्निशियन चाहिए वाट पाता है, प्रथमेश मयेकर जहाँ कहीं भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, प्रथमेश जी मयेकर प्लीज, जो कि 6 गेंदे और 5 रन, सुपरस्टार और एक वीरा के दरमियान ये मैच खेला जा रहा है। सुपरस्टार सॉरी एक वीरा के बॉलर, सुपरस्टार केवल बल्लेबाज तैयार, खेल दिया इस गेंद को, डेड बॉल करार दिया, डेड बॉल करार दिया अंपायर ने, जो कि तैयार नहीं थे वहां कीपर का कुछ ऑब्जेक्शन था तो डेड बॉल करार दिया अंपायर ने, डेड बॉल। 6 बंड्या भगत यानी विलास जी भगत जहां कहीं भी हो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, बंड्या भगत 6 गेंदे और 5 रन, पहली गेंद लेफ्ट आर्म और राउंड विकेट करते हुए और अच्छी गेंद समझ पाए बल्लेबाज, मारने के प्रयास में बीट हुए, कोई रन नहीं कोई विकेट नहीं। अभी 5 गेंदे और 5 रन, विलास जी भगत, बंड्या भगत, बंड्या भगत प्लीज कमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐसे, बंड्या जी भगत कृपया कमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐसे। 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए जो कि लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद करते हुए बॉलर ऋषि, 5 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता, अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन और ये भी अच्छी गेंद, ये कीपिंग का अच्छा मौका था कीपर के लिए, लेकिन गवा दिया, कोई रन नहीं कोई विकेट नहीं। अभी भी 4 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता, ऋषि एक अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए। फिर एक बार ऋषि अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म सॉरी लेफ्ट आर्म राउंड विकेट,
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अगली गेंद डालेंगे। चार गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। रूसी अपने लय में आते हुए कोई लंबा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे, कोई रन बटोरने का मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को। रूसी फिर एक बार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अगली गेंद डालेंगे, अगली गेंद डाली और तीनों विकेट गिरा दिए वहां, और हिट विकेट देते हुए और वापस मैदान में जाते हुए, जिसे हिट विकेट माना जाता है। कोई भी बल्लेबाज अगर विकेटों पर अगर अपना बल्ला लगा देता है तो उसे हिट विकेट माना जाता है, और ये आउट होकर वापस पैवेलियन में। इसी प्रकार 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता। सचिन जी आप यहाँ आए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप तो मेरे आइडियल है। इस क्रिकेट मैदान में वो ओराम रहने दो या बॉक्स क्रिकेट रहने दो, आप तो आइडियल है मेरे। सचिन जी सुंदर अशी गोलंदाजी करतो है तो गोलंदाज ऋषी, 3 चेंडू निर्धाव टाकलेत ऋषीने, आता 3 चेंडू 5 धावा, सामना रंगतदार होतोय। फिर एक बार ऋषी और गेंद, अच्छी गेंद जो कि पूरे पूरे अपने टीम को जीत के करीब लाते हुए ऋषी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद कर रहे हैं, और अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गोलंदाज डावखोर असल्यामुळे शक्यता आहे सुपरस्टारच्या खेळाडूंना बॉल समजत नाही। हॅलो, दो गेंदों में अभी 5 रनों की आवश्यकता। हेलो प्लीज प्लीज बीच में मत बोलिए प्लीज। दो गेंदों में 5 रन, और एक क्लीन बॉल कर दिया, और निश्चित रूप से जीत के करीब यहां ला दिया है ऋषि ने। शायद ऐसा नहीं लग रहा था कि एक वीरा जीत के करीब जाएगी, लेकिन ऋषि ने एक कमबैक किया है, ऋषि ने अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन किया। अब एक गेंद और 5 रन चेस करना ही होगा, कंपलसरी 5 रन है, 4 रन बनाएंगे तो भी नहीं होगा, 5 रन चेस करना पड़ेंगे ऋषि की कमबैक। एक रन भी गया तो भी कुछ मुश्किल नहीं है यहाँ ऋषि के लिए। ऋषि तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, पूरी अपने टीम को जीत के करीब लाते हुए यहाँ ऋषि अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन, बेहतरीन बॉलिंग मानी जाए। सचिन जी आपके आप इसके बारे में क्या बोलेंगे, इस बॉलर के बारे में? सचिन जी एक अच्छे बॉलर, उभरते बॉलर नजर आ रहे, और ये मैच जीत लिया है यहाँ एक वीरा ने। कॉन्ग्रेचुलेशन एक वीरा, जो कि नहीं लग रहा था कि एक वीरा वापस आएगी इस मैच में, लेकिन ऋषि ने जो बॉलिंग की उसकी वजह से यहाँ एक वीरा ये मैच जीत चुके हैं। सचिन जी तसेच प्रथमेश मयेकर यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो, आणि तसेच